जन्म मरण दोहूं मैं नाहीं, जन पर उपकारी आए, जी दान दे भगति लायन, हर्षों लैन मिलाए। दसां पातशाहियां दी आत्मक जागदी जोत, ज्ञान स्वरूप प्रगट गुरां की देह, प्रतख सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन हजूरी विखे तत बेते महापुरख संत बाबा सुच्चा सिंह जी उन्हां दी पावन याद विच जुड़ बैठे गुरु खालसा सात संगत जीओ, वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। गुरमुख पर उपकारी जग विच विरला आया, ऐसे परोपकार वाले महापुरख विरले ही संसार अंदर आउंदे हन। सतगुरु जी ने उन्हां दे बारे दस्या है, वो जन्म ते मरण इन्हां दोहां बंधना तों रहित होंदे हन। उन्हां दा निशाना केवल परोपकार ही है, वो सारे संसार नूं गुरु दे नाल परमात्मा दे नाल जोड़न दे वास्ते ही आउंदे हन। संसार नूं जीवन दान बख्शदे हन। जीवन दान की है? सो जीविया जिस मन वस्या, सोए नानक अवर न जीवै कोई। प्रभु दे सिमरन दे नाल, गुरु दे नाल, गुरबाणी दे नाल जोड़ना, यही जीवन दान है। प्रभु दी भगती दे नाल लगा देना, सिमरन दे नाल जोड़ देना, ते वाहिगुरु दे नाल जोड़ देना, मिला देना। सतगुरु जी ने फरमाया है, ऐसे जेड़े महापुरख हन, कोल कुमाई तिस मित्र विचोले, जय मिल कंत पछाणा। ऐसे महापुरखां तों बलिहार जाइए, कुर्बान जाइए, जिन्हां नूं मिल के गुरु दी पछाण आउंदी है। सतगुरु दे बारे जो सानू दसदे हन, ओ आप हर मार्ग चलदा, होरना नूं हर मार्ग पाए। पहला आप ओ प्रभु दे प्राप्ति दे मार्ग ते चलदे हन, जे दूसरियां नूं भी प्रभु दी प्राप्ति ते मार्ग ते चलन दा संदेश उपदेश बख्शिश करदे हन। दास तों पहलां अनेकां ही महापुरखां ने, विद्वानां ने आप जी नूं बहुत ही सुंदर गुरमत विचारां श्रवण कराईयां हन, ते दास तों बाद भी सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी त्रिलोचन सिंह जी, जथेदार तख्त श्री केसगढ़ साहिब, सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी बलवंत सिंह जी नंदगढ़, जथेदार तख्त श्री दमदमा साहिब, उन्हां ने भी आप जी नूं गुरमत विचारां श्रवण करवाउणियां हन। सो बेनती है, नानक सतगुर ऐसा जानिया जो सब सह लय मिलाए जियो। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ऐसे सतगुरु हन जो सारे संसार नूं अपनी गलवकड़ी विच लैण वाले हन। इत्थे सभे सांझी वाल सदायन, तू किसे ना दिसे बाहरा जियो। इत्थे सारे ही सांझी वाल हन, तू सांझा साहिब बाप हमारा। हे सतगुरु, तू ऐसा साडा बाप है, पिता है, जो सारियां दा सांझा है, सारी मनुखता दा, सारे संसार दा सांझा है। इत्थे सारियां वास्ते को जिहा उपदेश है, खत्री ब्राह्मण सूद वैस उदर है सिमर चंडाल।
ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚੰਡਾਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਹੁਮਾਯੂੰ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੰਭ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਪੰਜ ਖੰਭ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣਗੇ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜੋ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਪਰ ਉਹ ਖੰਭ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਖੰਭ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਖੰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਮਾ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੰਭ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇਵਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਆਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਕਾਰ ਧਾਰਿਆ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆ ਕੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਆ। ਐਸੇ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਰਸਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗੀਤਕ ਧੁਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤਪਤ ਮਾਹੇ ਠਾਂਡ ਵਰਤਾਈ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਦੁੱਖ ਨਾਠੇ ਪਾਈ। ਦੱਸਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਕੱਲ ਤਾਤੀ ਠਾਂਡਾ ਹਰਨਾਉ, ਭਾਈ ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਤੱਤਾ ਹੈ, ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਸੀਤਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਸ ਹੇਤ ਲੋਭ ਕੋਪ ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ ਇਹ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਪਤ ਕੜਾਹਾ ਬੁੱਝ ਗਿਆ, ਗੁਰ ਸੀਤਲ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਾਮ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਠੰਡ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹਨ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਰਗ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਹੋਰ ਕਥਨੀ ਬਦੋ ਨਾ ਸਗਲ ਛਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਐਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਐਸਾ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ
गुरमुख के सिद्धांत तो खुंझ जाएंगे। इस वास्ते सतगुरु जी ने आप आपदे होंदिया होया भाई गुरदास जी नूं लिखारी ला करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का संपूर्ण स्वरूप आप सतगुरु जी ने लिखवाया ते फिर आप हरिमंदर साहिब विखे प्रकाश करवाया। बाबा बुढ़ा जी नूं हुक्म होया बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ लिहो आवाज़ सुने सब पंथ। बुढ़ा साहिब ग्रंथ तब खोला ले आवाज़ बुढ़ा मुख बोला। जो हुक्मनापा आपां सारिआं नूं पता है उस हुक्म दा आपां पिछे 400 साल मनाया है। घर घर उस संदेश जो पहला हुक्मनामा आया वो पहुँचया है। सूही राग अंदर पंचम पातशाह दा जो हुक्म आया संतां के कारज आप खलोया हर काम करावण आया राम। तरत सुहावी ताल सुहावा विच अमृत जल छाया राम। ते जो हुक्म गुरु अर्जन देव साहिब महाराज ने दिता उस समय ओ गुरबिलास पातशाही छेवीं दे विच लिखिया होया है। सतगुरु महाराज ने कहा मम आग्या सब ही सुनो सत बचन निरधार। हे गुरु सिखो मेरी आग्या मेरा हुक्म सारे सुनो इस नूं पूरी तरह निर्णा करके सत बचन करके पूर्ण तौर ते तुसी मनना है। आग्या कीती हुक्म कीता ओ की सी ग्रंथ गुरु सम मान्यो भेद ना कछु विचार। ग्रंथ साहिब जी नूं गुरु दे समान ही मनना है जरा भी भेद या फर्क नहीं समझना। कलगीधर पातशाह दे समें भी सिखां ने बेनती की महाराज आप कृपा करके गुरबाणी दे जो अर्थ हैं वो सानू सुनाओ। आपां नूं इतिहास का पता है सतगुरु जी ने धीरमल की संतान उन्हां कोल भेजिया गुरु ग्रंथ साहिब का सरूप लैण वास्ते। उन्हां ने कहा कि जे आप ये दसवें गुरु नानक हैं जे ओही जोत है जे दसवीं थां ते गुरु नानक देव जी ही प्रकाशमान हैं तां फिर साडे वड्डियां दी जो याद है यादगार जो सानू बख्शिश मिली है वो साथों क्यों लैंदे हन। आप ओही जोत ओही सरूपन आप अपनी रसना तो क्यों नहीं उचार लेंदे। तां कलगीधर पातशाह ने आप उत्थे एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब का अपनी रसना तो आप सतगुरु जी ने उच्चारण किया। हुण सतगुरु जी ने ये सारे भुलेखे सारे भरम उदों मिटा दिते जदों सतगुरु जी ने अपनी रसना तो भगत बाणी भी उचारी भट्टां दे सवैये भी उचारे। उत्थे कोई फर्क नहीं रह गया कोई भेद नहीं रह गया क्योंकि आप गुरु नानक दसवें गुरु नानक ने रसना तो सारी बाणी उचारी। इस करके सारी बाणी वो तुरकी बाणी हो गई। ऐसे सतगुरु महाराज फिर ओही स्वरूप जो स्वरूप दमदमा साहिब सतगुरु जी ने उचारिया संपूर्ण उस स्वरूप नूं सतगुरु महाराज ने तखत श्री सचखंड हजूर साहिब विखे गुरियाई गद्दी ते विराजमान किया। होर भी उदों स्वरूप सन भाई बन्नो जी वाले स्वरूप आम सुभावक प्राप्त हो सकते सन काफ़ी उहदे उतारे हो चुके सन पर उहदे विच भी कुछ वाधू बाणी उन्हां ने चढ़ाई हुई सी लिखी हुई सी। इसे स्वरूप नूं सतगुरु जी ने जो दमदमा साहिब तखत विखे उचारिया ते सारे अर्थ सतगुरु जी ने सिखाए जिथों अगे अर्थां दी दमदमी टकसाल भी चली उस रूप नूं गुरियाई गद्दी ते सतगुरु महाराज ने विराजमान किया। सदा ही सानू उपदेश बख्शिश करदे सतगुरु देव प्रतख हर मूरत जो अमृत बचन सुनावै। सतगुरु जी आप प्रतख वाहिगुरु हन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जो सानू अमृतमई बचन सुना रहे हैं सदा ली जुगो जुग अटल सतगुरु महाराज। सो आपां सारिआं ने सारे विद्वाना बुलारिआं पासों सुनिया है महापुरखां दे जीवन बारे संत बाबा सुच्चा सिंह जी
जो बहुत ही निर्मल आत्मा, बहुत बंदगी वाली आत्मा सी। सुदास ने पहला भी बहुत बार बेनती की, भी पहली बार इन्हां दे नाल मिलाप 1975 दे विच तखत श्री सचखंड हजूर साहब होया, जिथे इन्हां ने साधना आरंभ की हुई सी। दास नूं भी शौक सी उदों महापुरखां दी संगत दा सदका, सो दास भी उत्थे कुछ समय तो ठहरिया होया सी। ये भी महापुरख ठहरे सन, सो भाई बख्शीश सिंह जी वो कहन लगे, ज्ञानी हरदीप सिंह जी जो कथा उत्थे करदे सन हैड ग्रंथी, कहिंदे भी एक होर भी रूह इत्थे बंदगी वाली आई हुई है, आओ तुहानू उन्हां नाल मिलाइए। सो ये सामने ही जोगा सिंह निवास उत्थे कमरे विच सन। सो बहुत ही फिर इन्हां नाल विचारां होईयां, उत्थों फिर ऐसा प्यार बनिया जो सदा ही कायम रहा। शरीर त्यागन तो कुछ समा पहला ही दास दे नाल फिर जदों मिलाप होया, रात दे करीबन 3 बजे इत्थे पहुँचे, तो महापुरख बैठे हुए सन, इउं लगदा सी भी जिवें उड़ीक रहे। कहन लगे, असी तां तुहानूं बहुत समय तो उड़ीकदे सी, तुसीं बहुत लेट कर दिता, थोड़ा पहले आ के सानूं मिलना सी। सो ऐसे महापुरख जिन्हां नूं क्योंकि नाम रते तिर भवन सोझी हुए, जिहड़े गुरु दे नाम विच रते हुए हन, उन्हां नूं तां तिन्नां भवनां दी तिन्नां कालां दी सारी सोझी हो जांदी है। सो उन्हां ने पहली बार, सो ये जो हुण गुरबाणी सतगुरु जी ने 31 रागां दे विच उच्चारण कीती, ये जो अलोप हो रही सी परंपरा, राग परंपरा, इस नूं सुरजीत कीता, प्रचलित कीता, ते उस तरह ही चढ़दी कला दे नाल उन्हां दे स्थान ते उही सरूप महापुरख संत ज्ञानी अमीर सिंह जी ओ बड़ी चढ़दी कला दे नाल इस गुरमत संगीत दा जो अगे रागां दी परंपरा दा जो विचार है इस नूं अगे चला रहे हन। सैकड़े ही विद्यार्थी इत्थों विद्या पढ़ के विदेशों के भी लगे हुए हैं, इस हिंदुस्तान के आदिक तौर पर महापुरखों का आप सारिया संगतों का बहुत बहुत धन्यवाद है। सो इतने शब्द कहिंदिया होया दास खिमा का जाचक है, जो समा प्राप्त होया सी वो संपूर्ण हो गया। आओ हुण अगली जो विचार है, जिस तरह अपने पास दो सिंह साहिबान बहुत ही सत्कारयोग, उन्हां पासों भी ते होर महापुरशां पासों भी सरवण करांगे। भुल्लां गलतियां दी खिमा, फतेह बुलाइए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।